नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिस्टर्ब। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ चुका है। सभी पार्टियां वादों की झड़ी लगा रही हैं। उम्मीदवारों पर दांव लगना शुरू हो चुका है। एक ओर जहां बीजेपी अपने 15 और आम आदमी पार्टी भी अपने 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सीट शेयरिंग को लेकर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि 90 सीटों में से 83 सीटों पर गठबंधन होगा, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। बाकी बची 2 सीटों में 1 सीट सीपीआईएम और 1 सीट पेंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी जाएगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होते ही कांग्रेस और एनसी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। चलिए जानते हैं 83 सीट में से कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें गई हैं और कितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और कांग्रेस और एनसी ने कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। अपनी बाजी मारने के लिए दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 26 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश की 90 सीटों में से 83 सीटों पर तय हो चुका है, जिसमें 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होते ही दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने में जरा सी भी देरी नहीं की। देर रात ही कांग्रेस ने 9 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 19 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस ने त्राल सीट से सुरिंदर सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटू, अनंतनाग से पीर जादा मोहम्मद सईद, इंद्रवाल से शेख जफरुल्लाह, भद्रवाह से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाज और डोडा पश्चिम से प्रदीप कुमार भगत को मैदान में उतारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 18 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राजपोरा से मोहीउद्दीन मीर, जैनपोरा से शौकत हुसैन गनी, शोपिया से शेख मोहम्मद रफी, डीएचपोरा से सकीना इट्टू, देवसर से पीर जादा फिरोज अहमद, लारनू से चौधरी जफर अहमद, अनंतनाग पश्चिम से अब्दुल मजीद लारमी, बिजबेहरा से डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, अनंतनाग पूर्व से रियाज अहमद खान, पहलगाम से अल्ताफ अहमद कालू, भद्रवाह से महबूब इकबाल, डोडा से खालिद नजीब सोहर वर्दी, रामबन से अर्जुन सिंह राजू, बनिहाल से सज्जाद शहीन, किश्तवाड़ से सज्जाद किचलू, पेडेर नागसानी से पूजा थोकुर को मैदान में उतारा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब दोनों पार्टियों के बीच अलायंस हो चुका है और दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में साथ उतर रही हैं, तो फिर 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट क्यों? हालांकि इस पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कई सीटें ऐसी थी जिस पर दोनों पार्टियां लड़ना चाहती थी, लेकिन अंत में बात सिर्फ 5 सीटों पर ही अटकी। इसलिए डोडा, नागरोटा, बनिहाल, सोपर और भद्रवाह की सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। फिर देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कितना कामयाब होती है, यानी जम्मू कश्मीर में अलायंस अपनी जीत का परचम लहरा पाएगी या नहीं। खैर, इसकी तस्वीर 4 अक्टूबर को साफ हो जाएगी जब जनता का फैसला सामने आएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर डिस्टर्ब।